आज की मेरी जो ट्रिक्स हैं, जो आइडियाज हैं वीडियो में, वो हैं अपने सामान को अच्छे तरीके से रखने का, किचन और घर को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का, वो भी बेकार पड़े हुए सामान से। तो जैसे इस तरह के डिब्बे त्योहारों में मिठाई वगैरह आती है तो डिब्बे आते हैं, और ये सब सजावट का जो सामान है, हमारे बंधनवार, जो दरवाजों पे ये लड़ियां वगैरह लगाई जाती हैं, उनको ठीक तरीके से रखने का। तो इस तरह से आप लीजिए एक पॉलीथिन में अलग अलग ये लड़ियां जैसे आपस में उलझे ना, जिससे कि, और इनको इस तरह के डिब्बों में आप भर के रख दीजिए, जिससे कि आप जब कभी भी अभी अगले नेक्स्ट टाइम आप निकालेंगी ना, तो आसानी से निकल आएंगे। ठीक इसी तरीके से एक ये मेरा आयरन का बॉक्स है, इसमें मैंने सारे अपने जो छोटी छोटी सी मटकियाँ हैं, पुराने दिए हैं दिवाली के, वो सब रख दिया है। और जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अपनी अगली दिवाली आएगी, उसमें हम आसानी से बस एक बॉक्स निकाला और सारे दिए हमारे निकल आएंगे, और टूटेंगे भी नहीं। ऐसे रखने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और ऐसे ही एक ये डिब्बा है, जो मतलब शूज़ का डिब्बा है मेरा, उस पर मैंने अपनी ये मिट्टी की ग्वालन, कैंडल्स और जो टी लाइट्स वगैरह जो आई हुई थी, उनको भी अच्छे से बना करके रख दिया है। और सामान बहुत आसानी से मिल जाता है, और सामान को निकालने के लिए, याद रखने के लिए मैं इन डिब्बों में लिख भी देती हूँ कि क्या कहाँ रखा हुआ है, किस डिब्बे में क्या रखा है मैंने। तो मैं इन बॉक्सों को, सामान को फेंकती नहीं हूँ, और एक बहुत बड़ा सा मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें मैं सारी चीज़ों को डालती जाती हूँ कि पता नहीं कब किस सामान की जरूरत मुझे पड़ जाए। और कुछ बनाना होगा तो फिर सोचना होता है कि अरे मैंने तो वो फेंक दिया था। तो बस ऐसे ही सामान मैं रखती जाती हूँ, और उनमें ही ऑर्गेनाइज करके अपने सामान को मैं रखती हूँ। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक मेरी, ये एक बैंगल स्टैंड है, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आपके पास भी इस तरह का स्टैंड होगा। तो खराब हो गया था ये स्टैंड, तो इसको सबसे पहले तो मैंने कलर कर दिया है, पॉलिश इसकी एकदम बेकार हो गई थी, और चूड़ियाँ भी टांगने में गिर जाती थी या डस्ट बहुत हो जाती थी, तो बार बार उनको साफ़ करते रहो। तो इसको मैंने एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है अपने किचन काउंटर टॉप में, इसमें मैं अपने कप टांग देती हूँ, और बन गया है मेरा एक बहुत ही बढ़िया कप स्टैंड, और कम जगह में अच्छे से बन भी जाता है, कप मेरे टंगे रहते हैं और निकालने में भी बहुत आसानी होती है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी दूसरी ट्रिक है आइसक्रीम की इन डिब्बियों को लेकर, जिसे आप खाने के बाद तो फेंक ही देते हैं, ये मुझे ही पता है, और हम भी फेंक ही देते थे, मगर इनको देख करके मुझे एक बहुत ही अच्छा दिमाग में आइडिया आया, और इसको मैंने अपने घर में आइसक्रीम खाने के बाद इन डिब्बियों को किया इकट्ठा, और अब मैं इनको कर दूंगी कलर। जो कलर मेरे पास रखा हुआ था, इनको मैं इनमें कलर कर दूंगी। आप चाहें तो कलर करें या स्टिकर वगैरह भी लगा सकते हैं, मैंने सोचा कलर करके रखती हूँ तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कलर करने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने लगेंगी देखने में, और इनका जो यूज़ मैं करने वाली हूँ वो तो बहुत ही कमाल का है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये डिब्बियाँ, और इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इनको ये बहुत ही अच्छी एयरटाइट डिब्बियाँ होती हैं, जैसे कि कोई मेहमान घर में आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट बच जाता है, या घर में बच्चे हैं वो भी छोड़ देते हैं, और हमारा भी खाने का उस समय मन नहीं होता है, तो आप इसमें भर के रखिए, बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी और आपकी बिस्किट नमकीन एकदम ताज़े रहेंगे, और इनका यूज़ आप ज़रूर से कीजिएगा। ठीक इसी तरीके से एक और डिब्बी में मैंने आपको दिखाऊंगी पानी भर करके, जिससे कि बिल्कुल भी पानी निकलता नहीं है, तो आप सफ़र वगैरह में जाने में, आप चटनी रायता पिकनिक पर जा रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ें भी लेकर के जा सकते हैं, और छूट जाए तो गम भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हम फेंक ही देते थे ना इन डिब्बियों को, तो कोई टेंशन भी नहीं होगा। फेंक अगर छूट जाती है या रह जाती है, फेंक देते हैं, तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तीसरी ट्रिक है मेरी ये थर्माकोल के एक पीस को लेकर के, जो कि इलेक्ट्रिक के जो सामान आते हैं उनको सेव करने के लिए साइड साइड से ये थर्माकोल के पीस लगे होते हैं ना, उनका ही मैंने एक बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने न्यूज़पेपर चिपका दिया था पहले से ही, तो इसको हटा करके मैं दिखा रही हूँ कि ये पीस कैसा है और इसका मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने इसे पहले न्यूज़पेपर से रैप कर दिया है अच्छे से, पूरे में न्यूज़पेपर लगा दिया है, और न्यूज़पेपर को भी मैं ठीक ठीक से चिपका दूँगी। बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार होगा, जिसका आप मल्टीपर्पस यूज़ कर सकते हैं।
तो पहले न्यूज़पेपर को मैंने इसमें लगा दिया है और फेविकॉल या किसी भी ग्लू की मदद से इसको चिपका दिया है। और इसके बाद ये जो वेस्ट पड़े हुए गिफ्ट पेपर आते हैं ना, कोई आपको गिफ्ट देता है उसके साथ में ये पेपर्स ऊपर से कवर किया हुआ होता है, ये भी मेरे पास पड़ा था तो सोचा चलो इसको इसमें लगा देती हूँ। न्यूज़पेपर लगा करके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो इससे मैंने इसे कवर कर दिया जिससे देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसे छोटी छोटी सी ट्रिक्स आप लगा करके अपने घर को, किचन को वेल मेंटेन कर सकती हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और देखने में भी वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। देखिए कितना बढ़िया है। और ये मेरी किचन की एक छोटी सी अलमारी है जहाँ पर मैं ऐसे ये मसाले की डिब्बियाँ वगैरह अरेंज करके रखती थी, तो जो पीछे की डिब्बियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती थी और मुझे सारा हटा करके ही सामान देखना पड़ता था बार बार कि पीछे क्या रखा है। तो बस इस वाले जो मैंने ऑर्गेनाइज़र जो बनाया वो इसीलिए कि पीछे की डिब्बियों को थोड़ा हाइट देने के लिए मैंने इनको बनाया है। और जब सामान अब मैं रखती हूँ तो मुझे पीछे के डिब्बे आसानी से दिखाई देते हैं कि क्या किस में रखा हुआ है। तो चाहे किचन पुराना हो, आप अगर उसको घर पुराना है, किचन पुराना है, मगर आप उसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगी तो वो देखने में अच्छा लगता है। और चाहे कितना भी नया है, अगर फैला हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इस ट्रिक को आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ट्रिक्स आपको कैसी लग रही हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक इसी तरीके से देखिए, ये जो प्लेट्स हैं मेरी, ये काउंटर टॉप पर जब मैं रखती थी तो ऐसे फिसल करके गिर जाती थी, बार बार इनको संभालना पड़ता था। अगर एक भी प्लेट उठाती थी तो दूसरी पीछे से गिर ही जाती थी। तो देखिए ये है जो बेकरी वाले बिस्किट आते हैं उनके साथ में ये ट्रेस तो आती ही है और हम इनको वेस्ट समझ के हमेशा कूड़े में फेंक देते हैं। तो ये ट्रे मैं यूज़ करती हूँ अपनी प्लेट्स को अरेंज करने के लिए और अच्छे से रखने के लिए। देखिए ऐसे साइड में आपको जब निकालना है, ट्रे को बाहर लाइए और अपनी प्लेट्स निकाल लीजिए और फिर से वहीं पर खिसका दीजिए इसे रखने के लिए। और एक और भी तरीका है, अगर आप ऑयल कैन यूज़ करती हैं तो ऑयल कैन को भी इस ट्रे के ऊपर रख सकती हैं जिससे कि तेल की ड्रिप जो बूंदें हैं वो नीचे ना गिरे और आपका काउंटर टॉप खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए ट्रिक्स के साथ में। बाय बाय।